नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। और दोस्तों फिर से हाजिर एक नई लेटेस्ट न्यूज़ और नई न्यूज़ के साथ। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान जेके विद योगेंद्र पवार में। और दोस्तों न्यूज़ में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल राजस्थान जेके विद योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक लेटेस्ट न्यूज समय से पहले मिलती रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। इसमें आप देख सकते हो कार्मिक विभाग ने जारी किया आरएस 2018 का वर्गीकरण। तो दोस्तों कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है आरएस 2018 का वर्गीकरण। इसी सप्ताह जारी हो सकता है विज्ञापन, मतलब आरपीएससी है जो इसी सप्ताह जारी कर सकती है इसका विज्ञापन। तो ये नवज्योति की न्यूज अजमेर से। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 का विज्ञापन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। कार्मिक विभाग ने परीक्षा का वर्गीकरण जारी कर दिया है। ये परीक्षा कुल 1020 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 1020 पदों के लिए आयोजित की जाएगी, न कि 1017। राजस्थान लोक सेवा आयोग को कार्मिक विभाग से वर्गीकरण मिलने का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। कार्मिक विभाग ने कुल 1020 पदों के लिए वर्गीकरण जारी कर दिया। इसमें 405 पद राज्य सेवाओं के हैं। वर्गीकरण में बदलाव करते हुए इस बार विशेष पिछड़ा वर्ग जो SBC था इसके स्थान पर मोर बैकवर्ड क्लास MBC को शामिल किया गया है। वही अधिकतम आयु सीमा को लेकर संशय विज्ञापन जारी होने के बाद ही दूर होगा। जब RPSC इसका विज्ञापन जारी कर देगी उसके बाद में इसका संशय दूर होगा। कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों सामान्य वर्ग के लिए आवेदन की अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने के नियमों में संशोधन करते हुए सहमति मांगी थी। आयोग ने सहमति भेज भी दी थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है। वर्गीकरण में इस बार पर्यटन सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा, देवस्थान सेवा और श्रमिक कल्याण सेवा का एक भी पद शामिल नहीं किया गया। दोस्तों इसमें इसका एक भी पद शामिल नहीं किया गया। किसका? पर्यटन सेवा, ट्रांसपोर्ट और ये देवस्थान और श्रमिक कल्याण सेवा का एक भी पद इसमें नहीं है। तो आप इसमें जो वर्गीकरण जारी हुआ है दोस्तों, और ये दैनिक नवज्योति ने जो इसकी न्यूज़ दी है इसके हिसाब से आप देख सकते हो ये वर्गीकरण 75 पदों पे राज्य प्रशासनिक सेवा के पद हैं। पुलिस सेवा में 37 है, लेखा सेवा में 104 है, बीमा सेवा में 11 है, औद्योगिक सेवा इंडस्ट्रीज सेवा में 15 है, कॉमर्शियल टैक्स सेवा में 1 है, कोऑपरेटिव सेवा में 13 पद है, जेल सेवा में 2 है, रोजगार सेवा में 3 है, खाद्य एवं नागरिक सेवा 1 है, खाद्य नागरिक एवं नागरिक सेवा में इसमें 1 है। दोस्तों ये महिला एवं बाल विकास सेवा में 77 पद है। तो ये थोड़ी बहुत न्यूज़ थे वो मैंने आपको दी है जो ये आई है। इसके अलावा आप जो राजस्थान पत्रिका में भी इसका फॉर्मेट आया पूरा, वो भी आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन मेरे को ये न्यूज़ अच्छी लगी इसलिए मैंने ये भेज दी। तो दोस्तों पूर्ण रूप से तो ये जारी नहीं किया है कार्मिक विभाग ने कितने पद आए लेंगे, थोड़े बहुत इन्होंने जारी कर दिया है कि इतने पदों पर आएंगी मेन जो है। तो टोटल आपके 1020 पदों के लिए आयोजित की जाएगी ये भर्ती और जल्द ही इसी सप्ताह जारी कर देगी RPS इसका विज्ञापन। तो दोस्तों आप तैयारी कर सकते हो अब। तो ये दोस्तों इस न्यूज़ में इतना ही, आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और दोस्तों जिससे आपको दोस्तों और जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको मालूम पड़ जाए कि जो कितने पदों पर किस विभाग में भर्ती आने वाली RS की 2018 की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ दोबारा से लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।